क्यों ले लेगी? अब सरकार हिलेगी तो सहारा अपने आप हिलेगी, नहीं धराशाही हो जाएगी। थोड़ा जगने की जरूरत है, अब निकलने की जरूरत है। लोग समझिए, करोड़ों अरबों रुपया लगा है हमारा, निकलिए अब पैसे के लिए। लोग इतनी आसानी से नहीं देंगे, इनकी चमड़ी मोटी है, मोटी चमड़ी के लोग हैं। पैसा खाने का आदत हो गया है इनका, पब्लिक का। अपने कमांड ऑफिस में बैठकर लोग 5-5 लाख की दारू पीते हैं आशुतोष जी, और यहाँ पब्लिक चलो दवा के लिए अपना मर रहा है। शर्म नहीं आता है बेशरम लोगों को? और याती करते हैं, सब पता चला है हम लोगों को। कमांड में बैठकर लोग क्या क्या करते हैं, हर चीज की जानकारी हुई है। गरीब का हाल है, लेकिन हमारे जैसे लड़ने वाले का, इनको तो कॉलर पकड़ के हम लोग खींच खींच के निकालेंगे। जी सतीश जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। देखो, बिहार का पटौदी से वीडियो आया था, पंचायती गाजर पे गए ना, तो उन्होंने सरियाव पैसा लेते हुए भी पकड़ा, सील लगाते हुए पकड़ा, फार्म भरते हुए पकड़ा, सारे साथ उन्होंने पूरी वीडियो उनकी आई है, और वो उसे सारे सीले को लेकर के अपने बैग में रख लिया, भागता दिखाई दे रहा है। उसकी वीडियो आई है पटौदी से, तो पटौदी पे चलाते हैं उनके बिहार से, उनकी वीडियो आई है। सर ये सब जगह हो रहा है, कुछ जगह थोड़ा जो लोग जागरूक हैं जाकर मना कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस चक्कर में हैं। अभी इनोसेंट जनता है, क्या करेगी? उनको लगता है कि भाई 200-400 रुपया दे के अगर 50,000 आ जाए, वो लोग और बरगला दे रहे हैं, 50,000 अगर आ गया तो आगे फिर और आएगा। लोग मजबूर है, 50,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग दे दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। प्रवीण जी, ये फ्रेंचाइजी गार्जियन जो लैपटॉप लिए बैठे हुए हैं, जिनके सारा के लोग है ना, अंधभक्त जो बैठे हुए कर रहे हैं ना, 20-25 हजार पर डे कमा रहे हैं, ये हाल हो गया है जी। वो तो लूट रहे हैं पूरी तरह से, 500-500 रुपए 1,000-1,000 रुपए ले रहे हैं ये लोग, 1,00,000 रुपए ले रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। अमित झा लिख रहे हैं मधुबनी से, सारे जगहों का ही हाल आशुतोष जी, एक एक करके धीरे धीरे इनकी फ्रेंचाइजी जहां पड़े तो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। मुकेश चौहान, लिंक भेजिए भाई, लिंक भेजिए इनको, ज्वाइन करेंगे मुकेश जी। संजय और भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं आशुतोष जी, और लोगों को मौका दिया जाए। संजय नायक जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, संजय नायक जी बोलिए। संजय नायक जी, मुस्कुराने का समय खत्म हो गया सर, मैंने गोली डालकर पिस्टल तानने का समय आ गया है एकदम इनके ऊपर। नहीं प्रवीण जी, संतोष जी बैठे हुए, संतोष जी मंच पे बैठे हुए, पिछली बार भी नहीं बोल पाए थे, संतोष जी बैठे हुए, उनका भी समय दिया जाए। संतोष जी बोलिए, पिछली बार भी नहीं बोल पाए थे, बोलिए लास्ट में। संतोष जी बोलिए, संतोष जी को कुछ ना कुछ करेगी जल्दी से। संतोष अपना माइक खोल लीजिए, संतोष अनम्यूट कीजिए माइक को। अरे संतोष कुमार जी, अपना माइक तो अनम्यूट कर लीजिए। आशुतोष जी आप कर दीजिए वहां से, यहां से नहीं होगा, यहां से तो हम कर देंगे, लेकिन वहां से नहीं हो रहा है ना, उनसे नहीं हो रहा है। संतोष आवाज आ रही है आपको? संतोष जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। चलिए कोई बात नहीं, तब तक ये करें। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, संजय नायक जी बोलिए। आशुतोष जी नमस्कार, लाइव में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ जी नमस्कार, बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए ऐसा है कि अंकित भाई हमारे बड़े भाई, और उनका अपनी जगह कहना जायज है, अब तो गम भी इतना खुशनुमा लगने लगा है कि साहब हर बात पे हंसी आने लगी है, कुछ शायरी करने का मन करता है अन्यथा मत लेना। गम भी इतना जो है खुशनुमा लगने लगा है कि अब उस पे भी हंसी आने लगी। गम की कोई सीमा नहीं है, कोई भय नहीं है साहब। और देखिए आपको बताएं, हर कार्यकर्ता अपने स्तर से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। तो अब परेशानी उठाते उठाते परेशानी भी अब एक मजाक सी लगने लगी सर। और मैं आपको बताऊं, देखिए अभी भी गुमराह की पराकाष्ठा कुछ लोग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ब्रांचें खुलेंगी सब ठीक होगा,
और उनके सामने ब्रांचें बंद होती जा रही। देखिए आप पराकाष्ठा, देखिए आप जिसको कहते हैं अंधभक्त, जिसको कहते हैं कि उनके सामने ही ब्रांचें बंद होती जा रही हैं, हो गई हैं कई वर्षों से, और वो कह रहे हैं कि ब्रांचें खुले। तो साहब ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है जो अभी भी आस लगा के बैठे हैं। देखिए जिससे पैसा लेना था उसने पैसा देने से इनकार कर दिया है, वो दे नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, दे नहीं रहा है। और हमें पैसा लेना है अभयदेव शुक्ल जी से, हम पैसा मांग रहे हैं नागेन कुशवाहा जी से, तो हमें अभयदेव शुक्ल जी से लेना था, वो नहीं दे पा रहे, अब नागेन कुशवाहा जी क्या करे। तो वही स्थिति सरकार और कंपनी की है कि कंपनी से पैसा लेना था, बीच में सरकार आ रही, वो भी नहीं दे पा रही है, और हम अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा पक्ष सुना नहीं गया, अब कब सुना जाएगा, क्या होगा, इसका अभी कोई क्लियर डेट नहीं है। तो आशुतोष जी कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जिनसे पैसा लेना था उनने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, अब कोई समझे अथवा ना समझे, है ना, इशारों में समझना काफी रहता है कि उनने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रांचें बंद हो चुकी हैं और पैसा अब ब्रांचें खुलने की संभावना नहीं है और पैसा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टल पे इतना पैसा है नहीं है कि अगर उसको स्पीड से चलाएंगे तो पैसा कम बढ़ जाएगा, पैसा पूरा बढ़ जाएगा, फिर क्या करेगी सरकार और फिर क्या करेगी कंपनी। तो इसलिए उसको क्या बात है, एक मिनट, ऐसी क्या बात है जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ब्रांच खुलने वाली है, सारा के ऑफिस को खोला जाए, क्या बात है, कहां से कॉन्फिडेंस मिलता है, कहां से भरोसा होता है, कहां से विश्वास सकता है उनको जो ये बात के बोलते हैं, जब आप लोग खुद कह रहे हैं कि जो बोलते थे कि ब्रांचें खुलेंगी और उनके सामने में ब्रांच बंद हो रहे हैं, फिर वो कहां से ये बात बोलते हैं, क्या वो धूर्त हैं या प्रबंधन ने तो उनको कुछ कहा नहीं है, क्या कर रहे हैं वो, मरता क्या ना करता, कहीं से जो दो पैसे आ रहे हैं ले लो चले जाओ, इस तरह की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर सादे पेपर पर आज भी पैसे उठा रहे हैं तो किनको गुमराह कर रहे हैं? अगर वो जो दूसरा जो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें जो पैसे जमा हो रहे हैं वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी को पता नहीं है। और ये क्या ये बात इस देश में जो अदालत के माननीय जज साहब हैं जिनके देखरेख में पैसे की अदायगी होनी है उनको नहीं मालूम है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन जो पैसा लिया जा रहा है उस पैसे को कैसे लौटाएंगे, जब ऑलरेडी वो कंपनी जो है परेशानी में है, जिनको 86,000 करोड़ रुपए 1,00,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो पता चल रहा है कि उस कोऑपरेटिव से लेकर के इधर दे रहे हैं, इधर से लेकर के उधर दे रहे हैं, इधर से लेकर के उधर दे रहे हैं, ये भी खेल चल रहा है क्या? कम से कम उसका पैसा लेकर के लोगों का कर्ज उतार देते, ये भी बात चलती, वो भी नहीं हो रहा है। आज तो जी पहले हम आपको बताएं, ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो ये निवेशकों के साथ सरकार नहीं है, ये उद्योगपति के साथ सरकार है, ये बात आप स्पष्ट समझ चुके हैं विगत 2014 से। जब जमाकर्ता निवेशक उनको लास्ट प्रायोरिटी पे ना आज है, और चूंकि उनके चुनाव थे इसलिए उन्होंने पोर्टल बनाया, चूंकि उनको जो फीडबैक मिला होगा चुनाव में कि सहारा के निवेशकों से दिक्कत हो सकती है चुनाव में, इसलिए उन्होंने एक पोर्टल बना दिया। मैं आपको बताऊं चारों सोसाइटियों पे में से 3 सोसाइटियों पे सीआरसी ने परमानेंट रोक लगा दी है, 1 सोसाइटी स्टार मल्टीपल है जो 9 राज्यों में अभी काम कर रही है सहारा के ऑफिसों में, तेलंगाना हाई कोर्ट से स्टे लिए हुए है और उस स्टे की वजह से ही कंपनी काम कर रही है। मैं आपको बताऊं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी समझ से तो पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा जो तीसरा जो आप बोल रहे हैं कि लोग बात कह रहे हैं कि अभी भी ब्रांचें खुलेंगी और अभी भी सब ठीक होगा, तो आशुतोष जी मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए नरेंद्र मोदी कोई भी काम करते हैं उसके पहले माहौल बनाते हैं, ऐसे ही कंपनी के लोग कोई भी काम कर रहे हैं कि नहीं हो रहा उसके पहले माहौल क्रिएट करते हैं कि सब अच्छा होने वाला है, ताकि जनता का आक्रोश सड़कों पे ना उतर पाए। जब हम उसमें से कुछ लोगों को ये कह देंगे चाटुकार लोगों को कि नहीं सब अच्छा होने वाला है।